हेलो एवरीवन लेसन नंबर थर्टीन द टेम्पेस्ट ऑफ क्लास सेवेंथ न्यू जेंट्स इंग्लिश रीडर चिल्ड्रन द टेम्पेस्ट मींस स्टॉम तूफान तो तूफान की एक ये नोवेल है तूफान जिसके बारे में डिस्कस किया है तूफान में टेम्पेस्ट में क्या क्या होता है एंड दिस इज़ अ वेरी फेमस प्ले ऑफ शेक्सपियर ठीक है शेक्सपियर की एक बहुत फेमस प्ले में से कुछ पार्ट कुछ शॉर्ट करके हमारे बुक में प्रिंटेड है वो हम पढ़ेंगे तो इसमें मैं आपको स्टोरी शुरू करने से पहले बताना प्लॉट बताना चाहती हूँ क्या है एक बहुत बड़ा मैजिशियन है जिसका नाम है प्रोस्पेरो।, प्रोस्पेरो उसकी एक डॉटर है मेरेंडा उसका एक ब्रदर है एंटोनियो जिसने उसे धोखा दिया है किंग ऑफ नेपल्स के साथ मिलकर ठीक है तो प्रोस्पेरो जो है वो मिरेंडा के साथ है और उसको अपनी स्टोरी बता रहा है और स्टोरी बता रहा था कि वो पूरी ही नहीं हो पाई थी और वो स्टोरी इस बारे में है कि वो बारह साल पहले एक आइलैंड पे आ गए थे आइलैंड पता है ना आपको चारों तरफ पानी होता है बीच में एक टीला होता है लैंड एरिया होता है वो आइलैंड होता है आइलैंड पे रह रहे थे वो और वो वहाँ पे क्यों आ गए क्यों रहने लगे वो सब कहानी को अपनी बेटी को बता रहा होता है और प्रॉस्पेरों के पास एक मैजिक स्पिरिट होती है मैजिक स्पिरिट जिसका नाम होता है एरियल उसकी बहुत हेल्प करती है एरियल मैजिक स्पिरिट मीन्स एक एंजल या एक जीनी टाइप की होती है जो उसे हेल्प करती है बहुत वहाँ पे सरवाइव करने में अच्छा इस स्टोरी को और जानने के लिए हम पूरा प्ले जो है शेक्सपियर का द टेम्पेस्ट पढ़ सकते हैं मैंने तो पढ़ा हुआ है बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है ठीक है फिलहाल हम यहाँ पर टेम्पेस्ट को एक स्टोरी के फॉर्म में अपनी बुक में जो प्रिंटेड है वो पढ़ेंगे ठीक है आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा लेट्स बिगिन द चैप्टर नाउ फार अवे ऑन अ लोनली आईलैंड दे आर लिव्ड अ वाइज ओल्ड मैन एंड हिज डॉटर एक खाली से आइलैंड पे एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी डॉटर के साथ रहता था बारह साल से वो रह रहा है अभी वो जब वो छोटी बच्ची थी चार पाँच साल की तभी वो आइलैंड पे आ गए थे उसका नाम था प्रोस्पेरो जो ये ओल्ड मैन था मैजिशियन भी था इसका नाम था प्रोस्पेरो उसकी डॉटर का नाम था मरिंडा अब वो एक यंग लड़की थी सिक्सटीन इयर्स की और बारह साल पहले की कहानी है तो लड़के वो कुछ चार साल की थी उसने अपनी लाइफ में आइलैंड ही देखा है और ज़्यादा लोग नहीं देखे हैं उसको याद नहीं है प्रोस्पेरो को मैजिक आता था और वो वहाँ आइलैंड पे जितनी भी स्पिरिट्स थी जितनी भी आत्माएं थीं उनको अपने कंट्रोल में कर लेता था और उनको अपनी बात मनवाता था उनको ऑर्डर दे देता दे था, था स्पिरिट्स को और उन स्पिरिट्स का एक चीफ था मतलब एक हेड था जो था एरियल बहुत प्यारा क्रिएटर था वो अपने मास्टर के लिए बहुत ज़्यादा काम करने के लिए रेडी रहता था लेकिन वो बहुत शैतान था ठीक है कौन एरियल वो इनविजिबल था सबके लिए लेकिन उसको देख पाता था क्योंकि प्रोस्पैरो को मैजिक करना आता था उसका अपना सारा इम्पोर्टेंट काम उससे कराता था ठीक है इसी वजह से वो वहाँ सर्वाइव कर पा रहा था नहीं तो आप एक आइलैंड पे अकेले बारह साल तक कैसे सर्वाइव कर पाओगे एक दिन प्रॉस्पैरो ने उसको बोला कि एक तूफान लेके आते हैं बहुत बड़ा उसने एक बहुत बड़ा तूफान अपनी मैजिक पावर से क्रिएट किया टेम्पेस्ट क्रिएट किया अपनी अप, और अपनी डॉटर को लेकर वो बीच पर चला गया और वो देखता रहा एक शिप जो कि उस समुद्र में है वो किस तरह स्ट्रगल कर रही है विंड और वेव से मींस एक, एक सी सी पर समुद्र पर अगर एक बोट चल रही होती है और एकदम से वहाँ पर तूफान आ जाता है तो वो कितना स्ट्रगल करेगी चलने में ठीक है तो ये सब वो दूर से खड़ा हुआ अपनी बेटी के साथ देख रहा था उनको किनारे पे आ जाता है ठीक है दिस शिप लाइक सीम लाइकली टू सिंक एट एनी मोमेंट किसी भी समय वो डूबने वाली लग रही थी एंड दोज ऑन द बोर्ड सीम लाइकली टू ड्रोन और जो उस पर थे उस पर व्यक्ति भी थे कुछ वो लग रहा था वो डूबने वाले हैं किसी भी समय हियरिंग दैट दोज ऑन द शिप और ह्यूमन बींग्स जब उसे पता चला उसकी बेटी को कि उस शिप पर कुछ ह्यूमन बींग्स भी हैं उसने अपने फादर वो और उसने अपने फादर को कहा कि मैं फादर मैं बहुत इनके लिए चिंतित हूँ दुखी हूँ क्योंकि उसे पता नहीं था कि ये सब जो स्ट्रांग है उसके फादर ला रहे हैं वो अपने फादर से कहती है मेरिंडा मेरिंडा अपने फादर से कहती है ओ माई डियर फादर शी क्राइड इफ यू हैव रेज दिस ड्रेडफुल स्ट्रांग हैव पिटी ऑन द पीपल अबोल द शेप प्लीज़ डोंट लेट देम डोंट पा अगर ये तूफ़ान को आप कंट्रोल कर सकते हो अगर तो ये आपने पैदा किया है चलाया है तो उस शिप पे जो लोग हैं उन पर दया करो उन्हें डूबने मत देना फिर फादर बोलते हैं डू नॉट बी एक्शन्स माय चाइल्ड मेरे बच्चे तुम परेशान मत हो और उसको ऐसा कह के तसल्ली देते हैं करते हैं नो वन इज गोइंग टू बी हार्म कोई किसी को परेशान नहीं होगा ही पॉज्ड एंड देन वेंट ऑन वो इतना कहकर रुका और आगे चला मेरांडा दिस द टाइम हैज़ कम फॉर मी टू टेल यू एवरी थिंग उस अब वो कहता है बेटी मैं तुम्हें अब सारी कहानी बताता हूँ बारह साल पहले क्या हुआ था मैं ड्यूक ऑफ मिलन में मिलन का राजा था मिलन एक जगह है वहाँ का मैं राजा था और तुम मेरी बेटी थी और एक प्रिंसेस तुम मेरी प्रिंसेस थी माय ओनली चाइल्ड यू वर अ प्रिंसेस और तुम तो मेरी इकलौती बेटी प्रिंसेस थी और मेरी उत्तराधिकारी थी मतलब मेरा सब कुछ तुम ही थी इवन एट दैट टाइम माय चीफ इंटरेस्ट वाज़ द स्टडी ऑफ माइज उस समय भी मैं मैजिक पढ़ा करता था आई मैंने अपना ज़्यादातर टाइम मैजिक की बुक्स पढ़ने में ही बिताया ये बारह साल पहले की कहानी बता रहा है तो मैं इतना इंटरेस्टेड था मैंने अपना सारा मैनेजमेंट अपना सारा राज्य जो है वो अपने ब्रदर एंटोनियो को दे दिया था मैं किस में बिजी था मैं मैजिक की स्टडीज़ करने में था मैं अपने भाई पे बहुत विश्वासक विश्वास करता था और मुझे पता था वो कभी भी मुझे धोखा नहीं देगा और मेरी नमक हराली नहीं करेगा मीन्स मुझे कभी नुकसान नहीं पहुँचाएगा लेकिन उसने क्या करा उसने एक प्लॉट बनाया उसने एक जाल बनाया कि मुझे रॉब कर ले मेरा ड्यूकडम जो है वो मुझसे चुरा ले और वो ये सब इसलिए कर पाया किसकी मदद मतलब से कर पाया अपने दोस्त एल की मदद मतलब से जिसका नाम था किंग ऑफ़ नेपल्स जो किंग ऑफ़ नेपल्स था उसके साथ मिलके मेरे भाई एंटोनियो ने मेरे साथ गद्दारी करी और मेरा ड्यूकडम मेरा राज्य मुझसे छीन लिया और मैं कहाँ गया हुआ था मैं गया हुआ था अपनी मैजिक की बुक्स की स्टडी करने मैजिक के बारे में और स्टडी करने मेरे कनिंग ब्रदर ने एंटोनियो ने पुट अज इन अ रोटन बोट विद आउट ओव्स एंड सेल्स उसने मुझे एक सड़ी हुई बोट में खराब बोट में मुझे और तुम्हें फेंक दिया जिसमें ना तो चप्पू थे मतलब वो रोड वो बोट चला नहीं पाते और हमें सी में धकेल दिया ये चला के करी उसके भाई ने ही था दैट ही वुड सटेनली पैरिश उसे लगा कि वो हमसे जीत जाएगा लेकिन मेरा फॉर्चुनेटली किस्मत की बात है मेरा एक ओल्ड सर्वेंट आई होप यू you। उसने, उसने क्या करा बोट में उसने कुछ कपड़े कुछ पानी कुछ कपड़े कुछ खाने का सामान भर दिया और समथिंग आई मोस्ट प्राइज और मेरी काम की जो जो चीज़ें थी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि मेरी मैजिक की किताबें वो सब उसने मेरे बोट में अरेंज करती थी उसी बोट में जिसके तो जिसमें उसके भाई ने उसे निकाल दिया था थैंक्स टू गोंजेलो गोंजेलो का बहुत बहुत धन्यवाद है क्योंकि उसकी वजह से ही हम इस आइलैंड पे आ पाए हैं और इस आइलैंड पे अपना घर बसा पाए हैं तो ये सारी कहानी थी बारह साल पहले उसके साथ क्या हुआ था अब पोरासपैरो कहता है कि मैं उसे सबक सिखा के रहूँगा और एंटोनियो है उस रो उस बोट पे जो कि अभी इसने स्टॉम में फंसा दी है वाई आई है दिस फियरफुल स्टॉम इसी वजह से मैंने ये ख़तरनाक स्टॉम चलाया है ऑन द शिप वर ओनली दोज एनिमीज़ उस शिप पे मेरे वही एनिमीज़ हैं एंटोनियो मेरा भाई और वो किंग ऑफ नेपल्स दे विल बी कास्ट अशोर एंड आई शेल मीट द फेस टू फेस मैं उन्हें परेशान करूँगा और फिर मैं उन्हें, उन्हें शोर पे किनारे पर ले आऊँगा और उनसे सामने के सामने बात करूँगा दे विल बी इन माई पावर दे विल बी एट माई मर्सी वो मेरे पावर में रहेंगे और मेरे मुझसे माफ़ी मांगेंगे मेरी दया मेरी दया में रहेंगे इतना कह के प्रोस्पैरो चुप हो जाता है और अपनी डॉटर को मैजिक वैंड से टच करता है जिससे कि वो सो जाती है और इतने में वो स्पिरिट मे... आ जाती है एरियल ठीक है वो अपने मास्टर को बताती है कि उन्होंने पैसेंजर के उसने पैसेंजर्स के साथ और क्रियो मेंबर्स के साथ मीन्स जो कि शिप पे थे उन सब के साथ वैसा ही किया जैसा कि उसको ऑर्डर मिला था उसने अपनी डॉटर मेरिडा को सुला दिया था क्योंकि मेरिंडा जो है वो घबरा जाती अलार्म हो जाती चौकन्नी हो जाती अगर वो देखती कि उसके फादर एक एम टी एयर एक मैजिक स्प्रिट जो कि एरियल है उससे बात कर रहे हैं हवा में बात कर रहे हैं ये जब एरियल उसे बताता है कि उसने वो सब कर दिया तो प्रॉस्पेरो जो है वो कहता है वेल माई ब्रेव स्प्रिट हाउ यू हैव परफॉर्म योर टास्क मेरी बहादुर सी आत्मा एंजल तुमने ये सब कैसे किया प्रॉस्पेरो आस्ट एरियल प्रॉस्पेरो ने एरियल से पूछा एरियल ने सारा लाइवली डिस्क्रिप्शन कि उसने कैसे तूफान उगाया कैसे उन्हें डराया और कैसे हाउ द किंग सन किंग ऑफ नेटा फ्रेडिनेट वो सबसे पहला था जो कि समुंदर में कूद गया जब वहाँ पे स्टॉम आया तो उसमें जो भी लोग थे एंटोनियो किंग ऑफ नेपल्स और जो वहाँ चला रहे थे चप्पू चला रहे थे और उस किंग ऑफ़ नेपल्स का बेटा फ्रेडिनेट वो कैसे घबरा के उस समय कूद गया ये सारी कहानी एरियल उसे समझा रहा है उस प्रोस्पैरो को यू हैव डन वेल माय जेंटल स्पिरिट तुमने बहुत अच्छा किया प्रोस्पेरों ने कहा नाउ गो एंड ब्रिंग द यंग प्रिंस हियर माय डॉटर सी हिम अब उस यंग लड़के को फ्रेडिडेंट को यहाँ लेकर आओ मेरी बेटी उसे देखेगी क्योंकि उसकी बेटी ने आज तक किसी ह्यूमन बींग को देखा ही नहीं है वो तो बारह सालों से इस समुद्र पर अपने पिताजी के साथ है और यहाँ पे कोई है ही नहीं और चार साल पहले आई बारह साल पहले वो चार साल की थी जब वो यहाँ आई थी ठीक है स्माइल्ड एट सीक्रेट थाट और उसके मन में कुछ अजीब सा विचार आता है और वो ये सोच के हंसने लगता है प्रॉस्पेरो प्रोस्पेरो ने उसे कुछ और कमांड कुछ और ऑर्डर भी दी और एरियल ने उन्हें करने का प्रॉमिस किया और ये प्रॉमिस किया कि एरियल तुम जब ये मेरा सारा टास्क कर दो कि मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँगा ठीक है एरियल ने ओबीडियंटली उसकी बात मानते हुए वहाँ से चला गया जहाँ पर फ्रेडिनेट था फ्रेडिनेट को लेने फ्रेडिनेट अकेला बैठा हुआ है रॉक्स पर कम सर फॉलो मी एरियल उससे कहता है आओ सर मुझे फॉलो करो मेरे पीछे पीछे आओ अच्छा वो दिखता तो था नहीं एरियल लेकिन जो हमारे यंग प्रिंस था फ्रेडिनेट वो ये सुन के बहुत सरप्राइज हो गया कि ये वॉयस कहाँ से आ रही है और लेकिन उसने उस वॉइस का पीछा किया आवाज़ तो सुनाई पड़ी लेकिन कोई दिखा नहीं क्योंकि एरियल एक मैजिक स्पिरिट था एरियल एक गाना गाते गाते प्रोस्पेरो को मेरिंडा के पास ले गया जो कि बैठी हुई थी एक पेड़ के नीचे तो ये एक पेड़ का सीन है मेरिंडा यहाँ पर बैठी है और वो फ्रेडी रेन को देखती है उसने आज लाइफ में पहला ह्यूमन बीइंग देखा है अपने पिता के अलावा मेरिंडा सॉ फ्रेड एंड फर्स्ट एंड कुड नॉट बिलीव हर आइज जब वो उसे पहली बार देखती है उसे विश्वास ही नहीं होता क्योंकि अपने फादर के अलावा उसने और कोई इंसान नहीं देखा वो अपने पिताजी से कहती है ओ फादर लुक एट दिस ब्यूटीफुल क्रिएचर पापा देखो कितना सुंदर प्राणी है इज इट स्पिरिट क्या ये एक आत्मा है पिताजी बोलते हैं प्रस्पर बोलते हैं नहीं बेटा ये कोई आत्मा नहीं है ये खाता है ये सोता है और ये वही सब करता है जो हम करते हैं ये तो एक मनुष्य है और उसी शिप से आया है जो हमने शिप देखा था ही इज़ बैटरिंग अबाउट लुकिंग फॉर हिज फ्रेंड्स ये इधर उधर घूम रहा है अपने दोस्तों को खोज रहा है मेरिंडा बहुत खुश हो जाती है एक हैंडसम यंग प्रिंस को देखकर साइड पर एक हैंडसम यंग प्रिंस को देख वो बहुत खुश हो जाती है उसको लगता था सारे ओल्ड सारे लोग जो हैं दुनिया में वो ऐसे ही फेस के होते होंगे सीरियस से फेस के उनकी ग्रे ग्रे दाढ़ी होती होगी जैसे कि वो उसका फादर है उसने ऐसे ही ह्यूमंस अपने माइंड में इमेजिन किए हुए थे लेकिन फ्रेडेंट बहुत स्मार्ट था और वो भी सरप्राइज हो गया इस खाली पड़े हुए इस लोनली आइलैंड पर एक सुंदर सी मेडन को देख के मेडन होता है यंग वुमेन को देखकर वो भी बहुत चौकन्ना हो गया उसे लगा वो वहां goddess है वो वहाँ की गॉडेस है गॉडेस ऑफ़ द आइलैंड है और उसने उसको ऐसे ही बात करी है ऐसे ही एड्रेस किया एड्रेस किया उससे इसी तरह ही बात करी जैसे वो गॉडेस ऑफ द आइलैंड है मरिंडा ने उसको प्यार से बोला शी वॉज नॉट नो गॉडेस बट अ सिंपल मेडन मैं कोई गॉडेस नहीं हूँ मैं तो एक सिंपल मेटन हूँ लड़की हूँ प्रॉस्पेरो बहुत खुश हुआ जब उन्होंने देखा दोनों एक दूसरे को देखते ही उन दोनों को एक दूसरे से लव हो गया लव एट फर्स्ट साइड पहली न, पहली नज़र में एक दूसरे से उन्हें लव हो गया वो है वो देख कर बहुत खुश होता है प्रॉस्पैरो लेकिन उसको लगता था प्रॉस्पेरो कि मैं इनके लव का टेस्ट लेता हूँ और इनके लिए बहुत सारी डिफ़िकल्टीज पैदा कर देता हूँ क्योंकि उसने लगा ऐसे ही देखते ही थोड़ी एकदम से लव हो जाता है मैं उनको देख थोड़ा टेस्ट करता हूँ एक्डिंगली और ऐसा करते हुए प्रॉस्पेरोम से बात करता है गंदी तरीके से वो कहता है तुम्हें जासूस हो तुम यहाँ पर मेरा आइलैंड मुझसे छीन ले आए हो मैं तुम्हें बता देता हूँ तुम मुझसे नहीं जीतोगे आई विल टाई यू मैं तुम्हें बाँध दूँगा और तुम्हें खाने के लिए सिर्फ़ शेलफिश और कुछ रूट्स ही मिलेंगी वो उससे गंदा व्यवहार करने लगता है प्रॉस्पैरोट से क्योंकि वो उनके लव का टेस्ट ले रहा है मरिंडा इस देख कर रोने लगती है और बोलती है पापा प्यारे पापा आप इतने अनकाइड नहीं हो सकते उस पर दया करो प्रोस्पेरो लेकिन उसकी कोई बात नहीं सा, मानता और उसको कुछ बहुत मुश्किल टास्क दे देता है करने के लिए प्रेडिडेंट को वो बिल्कुल एक मूवी की तरह एक पापा की तरह बन जाता है और हीरोइन और हीरो को तंग करने लगता है उसने कहा ये सारी लकड़ियाँ उठाओ इसके गट्ठर बनाओ उसने प्रॉस्पैरो ने फ्रेडिंड को ऑर्डर दिया फ्रेडिंड ने, ने भी उसकी सारी बात मानी और वो लेकिन थोड़ी देर में थक गया क्योंकि वो तो एक राजा था प्रिंस था प्रिंस को ये सब करने की आदत नहीं थी मेरे मेरेंडा ने जब उसको देखा वो बैठा हुआ है एग्जॉस थका हुआ है लॉग्स के पास में तो तो मरिंडा उसके पास जाती है और देखकर उसे उदास हो जाती है लिटिल डिड शी न्यू क्योंकि उसको जरा सा भी एहसास नहीं था कि उसका फादर उसको देख रहा है और ख़ुश हो रहा है क्यों क्योंकि उसका फादर एक टेस्ट ले रहा था इनविजिबल टू दैम उसका फादर इस समय इनविजिबल था तो ये सब एहसास जो है मिरींडा को नहीं था और उन्हीं के पास खड़ा होकर उनका फादर इनविजिबल होकर उनकी सारी बातें सुन रहा है वो उस, उसको बहुत खुश होता है ये देखकर कि दोनों लव में हैं प्यार में है Fredinand and एंड मेरेंडा ने उससे पूछा तुम्हारा क्या नाम है उसने जवाब दिया मेरेंडा जबकि उसके पिता ने उसको ऑर्डर दिया था कि बेटा कि उस, किसी को अपना नाम नहीं बताना फिर वो फ्रेडिनेट को बताती है कि दैट नहीं फ्रेडिनेट उसको बताता है कि एक दिन वो किंग ऑफ़ नेपल्स का राजा बन जाएगा किंग ऑफ़ नेपल्स बन जाएगा क्योंकि वो किंग ऑफ नेपल्स का प्रिंस है और वो क्वीन बनेगी वो रानी बनेगी इससे मरिंडा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो बोलती है जब मैं तुम्हारी वाइफ हूँगी तभी तो मैं रानी बनूँगी तभी तो जब तुम मुझसे शादी करोगे तभी तो मैं तुम्हारी रानी बनूँगी तो ये उनके कुछ लव टॉक्स चल रहे हैं प्रोस्पेरों ने बहुत कुछ सुन लिया था अब वो श्योर हो गया था कि दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं लव लग करने लगे हैं ये देरफॉल मेड हिमसेल्फ विजिबल वो इतने भी अपने आप को विजिबल करता है और एक बहुत अच्छे से स्माइल करते हुए कुछ शब्द कहता है आई हैव ओवरहर ऑल मैं सब कुछ सुन चुका हूँ फ्रेड इन आई हैव ट्रीटेड यू हार्शली आई एडमिट मैंने तुम्हारे साथ गंदा व्यवहार किया था लेकिन मैं इस सब का भुगतान कर दूंगा तुम्हें अपनी डॉटर को तुम्हें देते हुए मैं तुम्हारे सिर्फ प्यार का स्ट्रेंथ ऑफ़ योर लव चेक करना चाहता था मैं अब तुम्हें छोड़ देता हूँ और मुझे कहीं पर काम है वो दोनों को छोड़कर चला जाता है वहाँ पर सिट डाउन एंड टॉक तुम यहाँ पर दोनों बैठो और बातें करो मिरिंडा एंड हैप्पी टू ओबे वो दोनों उसकी बात मानते हैं प्रोस्पेरो इतने में ही एरियल को बुलाता है और बोलता है मेरी बहादुर स्पिरिट मेरे ब्रदर और किंग नेपल्स की क्या खबर है एरियल हंसती है और बोलती है मैंने उन्हें अधमरा सा छोड़ दिया है वो मर रहे हैं भूख के मारे थकान के मारे मैं उनके साथ बहुत बुरा ट्रीटमेंट कर रहा हूँ जैसे कि आपने मुझसे कहा था और उन्हें यह भी बता दिया कि वो किस लिए यहाँ पे ऐसी सजा भुगत रहे हैं इस तरह उनके साथ क्यों हो रहा है आइलैंड पर वो स्टॉम में फंसे हुए हैं ना बहुत परेशान है और देवर फिल्बेड रिमोर्स वो अपने पछतावे से भरे हुए हैं उन्हें पछतावा हो रहा है कि उन्होंने क्या गंदे कर्म करे थे वो इतनी बुरी हालत में है कि मुझे भी उन पर दया आ गई मतलब एक स्पिरिट को भी उनके ऊपर दया आ गई इफ यू हैम्यूमन बींग लाइक अगर तुम्हें ही दया आ गई एरियल तो मैं तो एक ह्यूमन बींग तरह तो मुझे भी उन पर दया आ गई है उनको यहाँ लेके आओ मेरे प्यारे एरियल एरियल एकदम से उड़ जाता है बात मानते हुए और अपना म्यूज़िक गा रहा है वो और उन पछतावा करते हुए लोगों को प्रॉस्पेरस की केप की के बाहर लेके आता है और उन उन लोगों के साथ गोंजेलो भी है गोंजेलो वही उसका नौकर जिसने उसे बारह साल पहले प्रोस्पेरो को मदद करी थी उसके गंदे समय में प्रोस्पैरो को जब उसने समुद्र में एक नाव में छोड़ दिया था तो उस गोंजेलो ने तो खाना वाना रख दिया था एंड एट फर्स्ट द थ्री मैन डिड नॉट रिकोगनाइज पहले तो उन तीनों ने तीन मैन कौन कौन से हो गए गोंजेलो एंटोनियो किंग ऑफ नेपल्स उनने प्रोस्पेरों को नहीं पहचाना क्योंकि प्रोस्पेरों की बहुत दाढ़ी वाड़ी हो गई है और वो जो कपड़े पहना हुआ है वो मैजिक रोब मैजिक रोब माने मैजिशियंस की ड्रेस पहना हुआ है बड़ी दाढ़ी है तो प्रोस्पेरों ने पहले तो सबसे पहले प्रोस्पेरों ने गोंजेलो को देखते हुए उसको धन्यवाद किया कि तुम्हारी वजह से ही आज मेरी लाइफ बची हुई है और मेरी बेटी की भी और इतने ही सुनते हुए एंटोनियो उसका भाई उससे मदद मांगता है उसको माफ़ी मांगता है प्रोस्पेरोस एंड डू सो डू द किंग ऑफ नेपल्स और किंग ऑफ नेपल्स भी माफ़ी मांगता है कि मैंने बड़े कुकर्म किए थे मैंने तुम्हें धोखा देकर तुम्हारे ड्यूक डम पे राज्य कर लिया था मुझे माफ़ कर दो प्रोस्पैरो से माफ़ी मांगी जाती है और उन्होंने कहा कि वो उन्होंने वादा किया कि हम तुम्हारा साम्राज्य तुम्हें वापस लौटा देंगे किंग ऑफ नेपल्स भी प्रॉस्पेरो से माफ़ी मांगता है और प्रोस्पेरोस को कहता है प्रोस्पेरो किंग ऑफ नेपल्स के कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपहार है और ये कहते हुए एक दरवाज़ा खोल देता है दरवाजे के अंदर फ्रेडिनेड और मेरेडा बैठे हुए चेस खेल रहे होते हैं तो वो अपने बेटे को देखता है और उसे देख के बहुत खुश होता है कि उसका बेटा जिंदा है लेट अस ऑल फॉर गेव एंड फॉरगेट सेट से प्रॉस्पेरों ने कहा चलो सब लोग माफ़ माफ़ी कर माफ़ी मांग ले माफ़ कर देते हैं एक दूसरे को क्योंकि हमारी सारी दिक्कतें अब ख़त्म हैं ख़त्म हो गई है प्रोस्पेरो अपने दोस्तों को अपने जितने भी गेस्ट हैं सारे उनको शिप पे ले जाता है और ऑल क्रू और सेफ और वो सब बताता है कि सारे क्रू के मेम्बर सब सेफ है कोई भी मरा नहीं है और वो सब के नेपल्स के लिए सुबह कल सुबह यहाँ से निकल जाएंगे बिफोर ही लेफ्ट द आइलैंड और वो आइलैंड छोड़ने से पहले पोस्पेरो अपनी सारी किताबें जो हैं मैजिक की वो अर्थ के अंदर मतलब धरती में फेंक देता है अपना मैजिक बैंड फेंक देता है और वो अब आगे से कोई भी मैजिक पावर यूज़ नहीं करेगा और और वो करे भी क्यों क्योंकि उसे सब चीज़ें मिल गई हैं उसे अपना किंगडम मिल गया है उसे अपना ब्रदर मिल गया है किंग ऑफ नेपल्स ने उससे माफ़ी मांग ली है ब्रदर ने भी और उसे अपना साम्राज्य मिल गया है और उसकी बेटी मेरिंडा को एक लाइफ पार्टनर फ्रेडरिन मिल गया है जो कि किंग ऑफ़ नेपल्स का उत्तराधिकारी है फ्यूचर में वो किंग ऑफ नेपल्स ही बनेगा प्रोस्पेरो नाउ टर्न टू एरियल अब बारी आती है प्रोस्पेरो को एरियल को आज़ाद करने की वो उसको बोलता है मेरी मैजिक स्प्रिट मेरी प्यारी मैजिक स्प्रिट मैं तुम्हें आई shall मिस यू मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा बट यू गो यू आर फ्री नाउ पर तुम अब आज़ाद हो मैं तुम्हें अब आज़ाद करता हूँ एरियल खुशी से झूम उठता है और वो एक प्रिटी सॉन्ग गाने लगता है गाते गाते वो वहाँ से चला जाता है तो ये हैप्पी एंडिंग थी क्या था प्रोस्पेरो ने सबको माफ़ कर दिया और सुबह ही वो किंग ऑफ नेपल्स की तरफ निकल जाएंगी तूफान शांत हो गया है गोंजेलो एंटोनियो किंग ऑफ नेपल्स को वो हैप्पीली मिलता है और प्रोस्पेरो जो है वो एरियल को आज़ाद कर देता है और ये डिसाइड करता है कि अब उसकी बेटी की शादी फ्रेडिनेट के साथ होगी सो दिस वॉज द एंड ऑफ द चैप्टर आई होप यू हैव अंडरस्टुड इट डोंट फोर टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो थैंक यू